सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत के तेवर एकदम नरम पड़ गए हैं। गुरुवार को करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग के बाद निकले अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी जी से राजस्थान की घटना को लेकर माफ़ी मांग ली है। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में मुझे बीते 50 सालों में सम्मान मिलता रहा है, हमेशा मुझ पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी गई है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर आज तक मुझ पर भरोसा किया गया। कांग्रेस महासचिव से लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर हाईकमान के आशीर्वाद से ही मुझे मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जो हालात बने हैं उसमें मैं कांग्रेस अध्यक्ष काल चुनाव नहीं लड़ूंगा। और चाहे मैं AICC के महामंत्री बनाऊं और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने वो तमाम जो समय वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जो अभी अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अब हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्या कुछ अपडेट है दिल्ली से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजस्थान की, जो राजस्थान के अंदर घमासान देखने को मिला और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब अशोक गहलोत जो है वो सोनिया गांधी के उपस्थित हुए और सोनिया गांधी से उन्होंने माफी मांगी है। लगभग कह सकते हैं 1.5 घंटे की जो मुलाकात चली उसके अंदर जो अशोक सिंह गहलोत के द्वारा जो उनके विधायक थे उनके द्वारा जो कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए, बैठकें की गई और यहाँ तक कि कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि सोनिया गांधी जो है वो कहीं ना कहीं सीएम पद से हटाना चाहती है अशोक सिंह गहलोत को, मगर अब अशोक सिंह गहलोत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ है उसमें शामिल नहीं है। यानी कि सीधे-सीधे कहीं ना कहीं वो अपने आप का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम पद के लिए ही वो अपने आप को मौजूद करते हैं। जी राजीव, सवाल ये खड़ा होता है कि इसके पहले अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत एक ही नाम अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए चल रहा था, लेकिन अचानक उनका पलट जाना किस बात का संदेश देता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बार बार लगातार कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का नाम था जो अध्यक्ष पद के लिए चुना जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि अशोक सिंह गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे, मगर जैसे ही घमासान हुआ राजस्थान के अंदर और सचिन पायलट की बात करें और अशोक सिंह गहलोत की बात करें जो उनके बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिला था और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन भरने की बात की गई है तो उसको लेकर कहीं ना अब अशोक सिंह गहलोत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अशोक सिंह गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं होंगे और सिर्फ राजस्थान के जो सीएम है उसी के कहीं ना कहीं उसी के लिए रहेंगे। मगर यहाँ पर जो उनके विधायकों द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे और जो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो घटा था उसके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने माफी मांगी सोनिया गांधी से और ये भी स्पष्ट कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में नहीं है, मगर जो उनके द्वारा जो विधायकों द्वारा जो घटना की गई है उसके लिए जरूर वो सोनिया गांधी से मिलकर क्षमा मांगेगी और क्षमा मांग चुके हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि जो कांग्रेस का जो हाथ है उनके ऊपर वो बरकरार रहे क्योंकि वो 3 बार राजस्थान के सीएम बन चुके हैं। जी